हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो है हा हैगया, करण औजला, पीट गुरलेज अख्तर, रूपानबल, एवी सारा। आई थिंक इन दोनों ने प्रोड्यूस किया है गाना, और गुरलेज अख्तर आई थिंक फीचरिंग में होगी, लड़की होगी। सो हा हैगया गाने का नाम है, मतलब गाने का बेसिकली मतलब ये है, हाँ मैं हूँ, दैट्स वर्ड, इतना अपने को पता है। लेट्स गो। और करण औजला का हम ये दूसरा गाना सुनेंगे, उसकी एल्बम आने वाली है बैक द एफ अप। सो उससे पहले मैंने सोचा लेट्स एक्सप्लोर हिम, उसका म्यूजिक देखते हैं, चेक करते हैं कैसा, किस टाइप का म्यूजिक है एंड व्हाई ही सो डिफरेंट, जिसकी वजह से इतना समझ रहे इतना लोग जानते हैं इनको। सो लेट्स चेक दिस आउट, आ जाओ बिना किसी देरी के, 1 2 3 एंड लेट्स गो। I think she's Gurlez Akhtar. What? क्या था भाई अखबार में? G-Man win US crime war. Okay, कुछ crime crime का scene है, करण औजला है. Okay, something. Okay. I am already liking the melody of the beat. समझ रहे हो, एक जो melody बनेगी ना इस beat पे वो मेरे को पसंद आ रही है अभी से ही, पता चल जाता तुम्हें सुन के। Whoa, I like the way के मतलब गाना किस तरीके से बनाया गया है। आई लाइक द वे गाना कॉन्वर्जेशन के बेसिस पे बनाया गया है, समझ रहे हो, मतलब वो पूछ रही है कि हाँ तू ये है, वो बोल रहा हाँ मैं हूँ, वो बोल रहे तू ये भी है, बोल रहा हाँ मैं हूँ, वो बोल रहे तू ये भी है, तो बोल रहा हाँ मैं हूँ भाई हूँ, क्या कर ले। आई लाइक द वे भाई, ये चीज़ें अच्छी लगती है जिसमें गाने बनाते वक्त क्रिएटिविटी निकल के आती है ना, कि हाँ हम गाना कॉन्वर्जेशन लाइक बना सकते हैं। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल दूँ इस टाइप के और गाने का, लाइक टोटली डिफरेंट है, आई एम लाइक अ हिप हॉप लिसनर, मैं उसमें बताता हूँ। लाइक अगर तुमने सुना है आई एम रेसिस्ट बाय जॉनल लूकस, तो उसमें इट्स लाइक अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ ब्लैक पीपल, ब्लैक मैन और एक वाइट मैन, सो दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है। आई लाइक दिस टाइप ऑफ सॉन्ग सो मच, और ये बहुत ही इंस्पायर करते हैं लोगों को भी। उसी में कुछ ऐसा है, इट्स लाइक फनी काइंड ऑफ, और नॉर्मल कॉन्वर्जेशन के बेसिस पे किया गया, बट स्टिल इट्स गुड। आपकी भाई बीट का मेलोडी बहुत एवन है यार। This is different भाई, मैंने expect नहीं किया था ये, like इसमें थोड़ा rap touch भी है, तुम्हें like एक simple flow मिलेगा और फिर वो जाके end पे एक अचानक से melody पे खत्म हो जाता है, तो it's kind of melodic rap, you can say it's a melodic rap, मैंने expect नहीं किया था, I was like singing होगी थोड़ा, दोबारा सुनेंगे आज। जो मेरे बारे फालतू की बातें करते हैं वो मेरे वो लाइक समथिंग लाइक चेले हैं, जो मेरे बारे बातें करते हैं वो मेरे चेले हैं और वो वेले भी हैं साल। फैक्ट्स आई थिंक वो बिना लाइक जो भी अचीवमेंट लाइक बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लाइक कोई आर्टिस्ट या कोई भी आर्टिस्ट बेसिकली अगर वो फेमस हो जाता है, वो अगर ब्लो अप हो जाता है और लोगों को पसंद आने लग जाता है, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि किस्मत थी, चल गया भाई, किस्मत थी, चल गया। बट उसके पीछे 4-5 साल की जो मेहनत, या कोई 10-10 साल भी मेहनत करके तब जाके वहाँ तक पहुँचता, वो 10 साल की मेहनत नहीं दिखती है लोगों को, कि कितना स्ट्रगल किया है, कैसे कैसे
करके वहाँ वहाँ तक पहुँचा है, तो वो लोगों को नहीं दिखेगा, वो सब सक्सेस दिखेगा और लोग बोलेंगे कि किस्मत से हो गया वो सक्सेसफुल, दैट्स इट। हर आर्टिस्ट का एक स्टोरी होता है, चाहे वो जल्दी ब्लो हुआ हो चाहे वो लेट ब्लो हुआ हो। अगर बंदा एक साल में भी ब्लो हुआ है ना, तो इसका मतलब उसने मेहनत की है जी तोड़, तभी वो इतना जाके, इट्स अबाउट टाइम कि कब उसको उसकी उसको अपनी अपने उसको कौन सा फल होता है, मेहनत का फल मिलता है, इट्स अबाउट टाइम मैन। सो एंड ही सेड एंड ही हिमसेल्फ सेड कि उन्हें क्या पता कि मैं कहाँ से गुजरा हूँ, मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, और मेरे को पता चला कि लाइक ही डोंट हैव पेरेंट्स, सो कनाडा में रहता है, पेरेंट्स हैं, एंड जो किया है खुद से किया है, सो दैट्स अप्रिशिएटेबल एंड बहुत ही तारीफ लायक भी है भाई, बहुत सही चीज़ है, और इंस्पिरेशन लो भाई ऐसी चीज़ों से। The girl voice is so crisp and so good. बहुत ही ज्यादा अच्छी वॉइस है, बहुत ही ज्यादा क्लीन और क्रिस्प साउंड कर रही है लड़की की वोकल्स। क्या था भाई वो सिंपल, दिस इज गुड भाई। मेरे बारे जड़े तेरे कोले आउन लुकी लाउन नहीं, ओना कोलो किथे पता तेनू लगू जट कौन नहीं, आओ गल्ले कहरे केड़े शहरे बापू मेरा कल गया, गीजे बिच सी पाके देता खोटा सिक्का चल गया, एक बारी ता पाऊ खलारे खुलाए जट सान कुड़े। भाई व्हाट्स अप विद हिज आईज, इसने लेंस लगा रखा है, इसकी एक्चुअल आईज है, ऐसा लग रहा है कि भाई अभी मतलब अभी अपना इच्छाधारी नाग के रूप में धारण हो जाएगा भाई, क्योंकि जानी दुश्मन में और जो भी नाग नागिन वाले सीरियल्स होते हैं उसमें ऐसी आंखें होती है भाई, ग्रीन कलर की एकदम, और बीच में एक ऐसे करके लाइन होती है, लेंस लगा रखा है या फिर एक्चुअल में आईज ऐसी हैं भाई, अगर एक्चुअल में आईज ऐसी हैं सो दिस इज गुड भाई, लड़कियां मतलब आंखों में ही देख के एकदम वो हो जाती है। What is going on भाई? अलग ही विजुअल्स है भाई, वीडियो लेवल तो कहाँ ही जा रहा है, मतलब हर चीज डाल रखी है, एक एक करण औजला का स्टाइल है भाई, मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही देखा है कि इसके गाने में लाइक कोई एनिमल है, सांप सूप है। बाकी एक एक इमरान खान को तुमने अगर सुना होगा ना, लाइक अगर तुम लाइक 90s किड्स हो तो इमरान खान को तुम जानते होंगे, वो एम्पलीफायर वाला बंदा जो एम्पलीफायर जिसने गाया था, उसके गानों में ना तुम्हें हर बार हर गाने में तुम्हें एक एनिमल मिलेगा, ठीक है, उसके उसने एक बंदर भी ले रखा है, उसने सांप भी ले रखा है, उसने एलिगेटर भी ले रखा है, उसने और भी दो चार गाने हैं उसमें, उसने कुछ ना कुछ ले रखा है भाई, तो आई लाइक द वे भाई आर्टिस्ट यूज कर दे भाई, मजा आ गया। ਸੋਚੀ ਨਾ ਤੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ।
गुड भाई, बीट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। शाउट आउट टू द प्रोड्यूसर मैन, मतलब बहुत अच्छी है। हु प्रोड्यूसेस द बीट भाई? सिंगर लिरिक्स करण औजला फीट गुरलेज अख्तर एंड म्यूजिक बाय एविसरा। ओके मैन, ओके नो, म्यूजिक बाय एविसरा एंड प्रोड्यूसर संदीप रेहान। भाई कौन सा प्रोड्यूसर है? म्यूजिक एक दोनों प्रोड्यूसर भाई ये बताओ, संदीप रेहान ने प्रोड्यूस किया है या फिर एविसरा ने? क्योंकि म्यूजिक में एविसरा है, प्रोड्यूसर में संदीप रेहान। इज ही वो वाला टाइप का प्रोड्यूसर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर, या फिर लाइक नॉर्मल जो वीडियोज प्रोड्यूस करते हैं पैसे लगाने वाले प्रोड्यूसर्स भी होते हैं? सो अभी के लिए मैं म्यूजिक एविसरा को शाउट आउट दे रहा हूँ भाई। मैं ये चलो नाम नहीं ले रहा, मैं बोल रहा हूँ बस शाउट आउट टू द प्रोड्यूसर भाई। बहुत ही अच्छी बीट बनाई है, बहुत ही अच्छी मेलोडी है बीट की, बहुत ही अच्छे से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, बहुत ही सही है भाई, बहुत ही सही। द गर्ल्स वॉइस इज सो क्रिस्प एंड सो क्लियर, बहुत ही ज़्यादा गाने में जान वो लड़की डाल रही है। मतलब जब वो बीट ड्रॉप हो रही है उसके बाद जो हुक स्टार्ट होता है वो लड़की गाने में जान डाल रही है भाई। एंड अपना करण औजला तो भाई सीन है ही उसका, किल मैन, किल्ड मैन। और ये मेरे को थोड़ा डिफरेंट गाना लगा बिकॉज ऑफ इसमें थोड़ा मेलोडिक रैप टच था गाने में, थोड़ा सा मेलोडिक रैप एंड जहाँ रैप वहाँ मैं, ठीक है। सो अपना ऐसा सीन है। और आई नो मैन के इसके म्यूजिक में क्या डिफरेंट है जिसकी वजह से ये इतना लाइक करण औजला इतना ज़्यादा स्प्रेडेड है हर कंट्रीज में, बहुत इंडिया में हो गया, कनाडा में हो गया, हर जगह पे बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ डिफरेंट म्यूजिक टेस्ट बीट और बिकॉज ऑफ नाइस बीट सिलेक्शंस और कॉम्पोजिशंस। तो इसकी हमेशा अच्छी ही होती है। अभी तक मैंने दो गाने सुने, दोनों में मेरे को कॉम्पोजिशंस ऐसी लगी हैं कि तुम एक बार सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ ऐसा कोई गाना है मैंने सुना हुआ है। क्योंकि कभी कभी तुम कोई गाना सुनते हो पंजाबी गाना तो तुम भूल जाते हो कि हाँ ये वो वाला गाना है। बट जैसे ये हो गया, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनके गाने अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो एकदम से बैठ जाएंगे कि हाँ ये वाला गाना मैंने सुना है, वहाँ पर मैंने ये गाना सुना था, तो मैं अब इसको दोबारा सर्च कर सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ और आर्टिस्ट देख सकता हूँ। तो ऐसे टाइप के गाने करण औजला के लाइक ही टाइप दोस टाइप ऑफ आर्टिस्ट जो ऐसे टाइप के गाने बना सकता है। एंड या मैन, दिस इज जस्टिफाइड कि क्यों इतने लाइक इतने फॉलोअर्स हैं इसके और कितने कट्टर फॉलोअर्स हैं भाई। और ऐसा होना ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए कि कट्टर फॉलोअर्स होना ना, लाइक अगर कभी बातचीत हुई तो फुल आ जाते हैं फैंस लड़ने के लिए। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी यू, एंड यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके जरूर जाना इफ़ यू लाइक द वीडियो। और करण औजला के जितने भी फैंस हैं भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एल्बम आने वाली है, मैं एल्बम टाइम टू टाइम करने वाला हूँ, हर एक गाने का करूँगा वो भी टाइम पे। सो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अभी के लिए बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।